हेलो एवरीवन, वैकेशंस सबको पसंद है, स्पेशली बीच वैकेशंस। अगर क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड हो तो क्या बात है, एवरीबडी टेंड्स टू हिट द बीच टू हैव अ रिलैक्सेशन फीलिंग। तो आपकी स्किन को भी रिलैक्स करने के लिए ये कुछ चीज़ें आप फॉलो कीजिए, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी इवन इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बीच वेकेशन। क्योंकि बहुत से लोगों को बीच वेकेशन के बाद में दे गेट टैनिंग वेरी इजीली, उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत डल लगने लगती है। तो ये चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज़ री अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का री एप्लीकेशन इज अ मस्ट, बिकॉज बीच साइड में यूवी रेज आर मोर हार्मफुल। इसलिए री एप्लीकेशन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एवरी 3 to 4 hourly इज अ मस्ट, जिससे आपकी स्किन हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहती है। तो अगर आप इंडोर्स हैं या आउटडोर्स हैं, प्लीज़ अप्लाई सनस्क्रीन। एंड येस, डेफिनेटली गो फॉर अ सनस्क्रीन विच सूट्स योर स्किन टाइप, या फिर आप लगाएंगे तो बाहर जाने के बाद इट विल फील मोर ग्रीजी। सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज अ प्रॉपर सनस्क्रीन। द सेकेंड वन, डू नॉट फॉरगेट द लिप्स। लिप केयर भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द हार्मफुल यूवी रेज ऑल्सो अफेक्ट्स योर लिप स्किन। तो इसलिए यूज लिप बॉम्स विद अ गुड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, प्लस सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी होगा तो सोने पे सुहागा। तो फर्स्ट इज reapplying sunscreen, the second one is taking care of your lips, the third one is do not shave before hitting the beach. Shave at least 24 hours before, क्योंकि shaving is a kind of exfoliation. तो उससे आपकी skin exfoliate होती है, more irritation को prone हो जाती है। जब आप sand में या beach पर जाते हैं तो नमक का जो पानी होता है उससे आपकी skin में एक sting सेंसेशन आ सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है। तो इसलिए शेव 24 आवर्स बिफोर इफ यू आर गोइंग फॉर दैट। द फोर्थ वन इज कैरी फेशियल वाइप्स इन योर हैंड बैग। वहाँ का बीच के यहाँ की सैंड, वो पानी, ये सब चीज़ों से आपकी स्किन बहुत स्टिकी हो जाती है। इस वजह से आपकी पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जो वहाँ के सैंड होते हैं। सो बेटर कैरी अ फेशियल वाइप, जो काफ़ी ईजी है। मतलब आप बैग में से निकालिए, फेस वाइप कर लीजिए, स्किन वाइप कर लीजिए, आपका कोई क्लेंजर फेस वॉश की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और आपका काम भी हो जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज डू नॉट यूज हैवी मॉइस्चराइजर व्हेन व्हाइल गोइंग ऑन अ बीच वेकेशन। अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो डू नॉट यूज हैवी मॉइस्चराइजर। ऑलरेडी क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है, ऊपर से आप थिक क्रीम वाला मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो इससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इट कैन लीड टू ब्रेकआउट्स ऑल्सो। तो इसीलिए यूज वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स, जो आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाए रखेंगे। तो इस तरह से आप अपना स्किन भी अच्छा रखेंगे व्हाइल हैविंग फन एट द बीच। थैंक यू।